नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव फार्मा हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं क्लोरामफेनिकॉल थेरेपी इज सप्लाई विद द हिमेटेनिक्स। क्लोरामफेनिकॉल थेरेपी में हिमेटेनिक्स देते हैं, ठीक है। क्लोरामफेनिकॉल में क्या कहते हैं, हिमेटेनिक्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो हिमेटेनिक्स जो है वो क्यों यूज करते हैं? हिमेटेनिक्स मीन्स वॉट? आयरन प्रिपरेशंस। ओके, क्या? आयरन प्रिपरेशंस। ओके, आयरन की प्रिपरेशन क्लोरामफेनिकॉल थेरेपी में यूज करते हैं। तो इसके क्या रीजंस है, देखिए फ्रेंड्स। द थेरापेटिक डोज ऑफ क्लोरामफेनिकॉल आल्सो कॉजेस द बोन मैरो डिप्रेशन। ये क्या करता है, क्लोरामफेनिकॉल का थेरापेटिक डोज, मीन्स क्लोरामफेनिकॉल नॉर्मल कंडीशन में अगर दे दिया तभी भी क्या करता है, वो बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करता है। ओके, बोन मैरो का डिप्रेशन करता है एंड इनहिबिट द इरिथ्रोपोएसिस। ओके, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, रेड ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है, उसको क्या करता है, वो कम कर देता है। ओके, तो खून की क्या होगी, हमारे बॉडी में कमी होगी क्योंकि इरिथ्रोपोएसिस कम हो रहा है, खून की कमी होगी। सो इन दिस सिचुएशन, ओके, व्हाट हैपन, अ प्लास्टिक एनीमिया ऑफन हैपन। ओके, इरिथ्रोपोएसिस हो रहा है यानी आयरन की कमतरता हो रही है, तो हमारे बॉडी में कौन सा डिसीज कॉज होगा, अप्लास्टिक एनीमिया होगा ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकॉल के साइड इफेक्ट से। सो ये साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अप्लास्टिक एनीमिया हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए, यानी कि आयरन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सो वी गिव्स द आयरन थेरेपी और आयरन प्रिपरेशन टू ओवरकम द साइड इफेक्ट, आयरन ट्रीटमेंट सप्लाई विद द क्लोरामफेनिकॉल। तो हम क्या करेंगे, क्लोरामफेनिकॉल के साथ आयरन क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ओके, सो यही की रीजन है कि क्लोरामफेनिक के साथ हम क्या करते हैं, हिमेटेनिक्स यानी कि आयरन प्रिपरेशन देते हैं ताकि अप्लास्टिक एनीमिया ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।